जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हृदय गौतम उर्फ टिंकू भैया मोर की सेवा करते हुए ये पक्षियों की, जानवरों की, जो बोल नहीं सकते हैं उनकी काफ़ी सेवा करते हैं और ये सबकी बातें समझते हैं। और पीछे देखिए, इनका कुत्ता, एक इनका पालतू कुत्ता भी है जो पीछे व्हाइट कलर का बाउंड्री को तो चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि इन्होंने उससे कह रखा है, क्योंकि इस समय मोर खा रहा है, वो पास में नहीं आ सकता है। देखिए, उसके लिए दाना डाला गया, उठ के पीछे गया वो। और काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर ये है कि फालतू की बात करने से तो बेहतर यही काम है जो हमारे टिंकू गौतम जी करके दिखा रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हुए। और क्रिकेट के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा योगदान रहा है, काफ़ी ऊंचे लंबे कद के हैं ये। ये देखिए, मोर बिल्कुल नहीं डर रहा है, क्योंकि एक तरीके से कहा जाए पालतू टाइप का मोर है इनका, डेली आता है, डेली खाता है। अभी इसके बाद इसका टाइम अभी समाप्त होने वाला है, क्योंकि दूसरा मोर आएगा। तो ऐसा एक ही नहीं, कई सारे पक्षी हैं। इसके बाद इसको पीछे टब रखा हुआ है बड़ा वाला, उस पर पानी भी पिलाया जाएगा काफ़ी। ये देखिए किस तरीके से फेंक रहे हैं, देखिए। टिंकू गौतम, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने, देखिए ये होता है, इन्होंने सिर्फ दो ही बात कही है, अहिंसा परमो धर्म। कितने अच्छे संस्कार वाले हैं हमारे हृदय गौतम जी। और मोर भी देखिए बिल्कुल नहीं डर रहा है, अगर ये चाहें तो इसको हाथ से भी खिला सकते हैं। टिंकू गौतम, हाथ में अपने थोड़ा बड़ा लीजिए, थोड़ा बड़ा साइज लीजिए आटे का, थोड़ा बड़ा लीजिए तोड़ के। हाँ, देखने वाली बात होगी क्या, लेकिन देखिए देखिए आप देख सकते हैं, देखिए। और मोर थोड़ा घबराता हुआ दूसरी दिशा में जाता हुआ, लेकिन क्या टिंकू गौतम इसे वापस बुला पाएंगे? ये कुछ ती 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 करके बोल रहे हैं, पानी पीने गया है अभी, मुझे लग रहा है उसका पेट भर चुका है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये भैंसों को भी पालते हैं, आप देख पा रहे हैं पीछे भैंसे हैं। और ये मोर दोबारा आता हुआ, जैसे टिंकू गौतम वहाँ से हटे हैं, थोड़ा डर सा गया था, सहम सा गया था, भाई पक्षी तो पक्षी ही होता है, आखिरकार डरेगी तो क्यों नहीं। ये देखिए टिंकू गौतम हटे और कुत्ते ने यहाँ पर अटैक किया, मोर पीछे दबे पांव जाता हुआ। इसी दुख समाचार के साथ हम भी आप लोगों से लेते हैं विदाई। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।